Question number one. We have three partners, X, Y, and Z. Their profit sharing ratio is 3:2, 2:1. M is admitted, or जैसे ही M की admission हुई, we have yes. We have creditors in the balance sheet, we have machinery in the balance sheet, we have stock in the balance sheet, right? So machinery was, ye question karwaya wo maine, machinery was overvalued by 10% and creditors were found only 81,000. Stock was also overvalued. Loss on revaluation, yes, very good and complicated question he has made. He says jo machinery ki value hai wo book value itni de rakhi hai. And he says this has been overvalued. अगर ये overvalued है, it means कि ये value और 10% से overvalued है. It means कि ये 110 की value है. मेरे को 100 पे लेके आना है, right? जब मेरे को इसको 100 पे लेके आना है, तो that will come to me 60,000. 66 balance sheet में है. आपने 60,000 पे लेके आना है. 6,000 से आप कम करोगे. देखो revaluation account बनाना पड़ेगा. Then you will be finding what he is asking. So I have to reduce the machinery with 6,000. This is the value given and this value we are calculating. Sample paper mein bhi aaya hua CBSE ke. Two machinery, 6,000 se kam kar dijiye. Uske baad wo baat karta hai creditors. You know creditors in the balance sheet, he is giving 84. Kehta ab iski value 81 karni hai. 3,000 se creditors kam karne hai. So I will be writing by creditors, 3,000. Uske baad kehta hai stock bhi overvalued hai. Lekin kitne se overvalued hai, kuch nahi likha. एंड में लिखा लॉस ऑन रिवैल्यूएशन मैं आपको बता देता हूं और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ही इज गिविंग और लॉस आपको पता इस साइड पे आता है 1500 इस साइड का टोटल इस साइड का टोटल दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा स्टॉक की ओवरवैल्यूएशन तो इस तरफ आएगा नहीं 6000 इधर 1500 देखो 1500 आंसर है अच्छा इसने आंसर नहीं इसने हमें 25% थोड़ी ना आएगा 1500 है ना लॉस ऑन री ओके ऐसे नहीं है वो भी अलग है लॉस पूरा थोड़ी ना दे रखा है ही सेज लॉस टू बी डेबिटेड टू जेड दैट इज 1500 तो टोटल लॉस तो निकालना पड़ेगा भाई ये Z का शेयर है 1500 Z का शेयर कितने के पीछे था कितना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बनाया Z का शेयर 1/6 है ठीक है 6 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो लॉस 9000 है भाई यू आर गेटिंग इट 6 से ऊपर मल्टीप्लाई करके बिकॉज़ ही मे गिव इट ही मे कॉल इट X शेयर ही मे कॉल इट Y शेयर बट ही इज सेइंग दिस इज Z शेयर यू आर राइट सो दिस इज व्हाट 9000 नाउ दिस साइड इज ग्रेटर ठीक है कितना ये 12 आया 6000 से ओवरवैल्यूड है वो भी टू स्टॉक ठीक है स्टॉक ऑलरेडी कितने का है 30 का मींस मेरे को 24 का करना है 6000 कम करना ये हमारी मिसिंग वैल्यू खुद हमने निकाली हमने 24 का करना है कितनी परसेंटेज निकालो कितना बनेगा देखो परसेंटेज कैसे निकालोगे कितना आंसर आना चाहिए 20 होगा मेरे को लगता 20% होगा आंसर चेक करो 20 होगा 30,000 का 20% 6,000 बन रहा है देखो जरा आंसर ही हैज गिवन 25 कैसे किसको किससे साथ डिवाइड किया 24 को 30 से हाँ 25% हमारा कैसे आएगा वो देखो 24,000 डिवाइडेड बाय 30 या 6 डिवाइडेड बाय 30 पांच पे गया तो हमारा ऐसे तो 20 ही बन रहा है 6 4 6 5 तो भी नहीं आ रहा 6000 डिवाइडेड बाय 24,000 ये है 6000 मतलब जितना आपका क्या है ओवर वैल्यूड है और जितनी आपकी अब वैल्यू आई ये कितने पे गया 4 पे इनटू व्हाट 100 6000 डिवाइडेड बाय फॉर्मूला याद करो 6000 डिवाइडेड बाय 24,000 इनटू 100 सो व्हाट इज द चेंज डिवाइडेड बाय रिड्यूस्ड वैल्यू इनटू व्हाट 100 लिखो ये फॉर्मूला तो 25% आंसर आएगा
एक नंबर का क्वेश्चन और कितनी सारी कैलकुलेशन मैंने करी। लॉस ऑफ रिवैल्यूएशन भी डायरेक्टली नहीं गिवन था, अगला नहीं कर सकते, शेयर कैपिटल का है, थर्ड भी नहीं कर सकते, फोर्थ भी नहीं कर सकते, फिफ्थ भी नहीं कर सकते, सिक्स्थ पे आ जाओ। हाँ, डिक्रीज इन द वैल्यू डिवाइडेड बाय रीवैल्यूड वैल्यू इनटू 100। अब डिक्रीज की जगह इंक्रीज भी हो सकता है तो भी इंक्रीज ऊपर आएगा, डिवाइडेड बाय रीवैल्यूड वैल्यू, क्योंकि उसने पूछा है क्या रीवैल्यूएशन की परसेंटेज निकालो, तो डेफिनेटली नीचे बुक वैल्यू थोड़ा लिखूंगी, रीवैल्यूड वैल्यू लिखूंगी ना। ठीक है, चलो नाउ वी हैव टू डू सिक्स्थ क्वेश्चन। पढ़ो विनोद प्रशांत वाला, पढ़ो प्रशांत वाला सिक्स्थ क्वेश्चन। रीड सिक्स्थ क्वेश्चन एवरीवन। वी हैव टू पार्टनर्स, दिस इज विनोद इज टू प्रशांत। एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ देयर फर्म चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का फॉर्मूला है भाई। द फॉलोइंग सिचुएशन वॉज फाउंड, डेटर्स दे रखे हैं, डेटर्स में से प्रोविजन माइनस है, इस तरह से लिखा होगा उसने, डेटर्स में से प्रोविजन, दिस इज गिवन इन द बैलेंस शीट एंड द नेट वैल्यू ऑफ डेटर्स ही रोट इन द अमाउंट कॉलम दैट इज 16,000। ही सेज इस साल 1500 के बैड डेट्स हो गए हैं, कोई एंट्री बताएगा मेरे को, मैं बाकी चीजें बाद में बोलूंगी। 1500 बैड डेट्स है, क्या एंट्री होगी? 1500 बैड डेट्स है, जर्नल एंट्री बोलो मोहित, जर्नल एंट्री बोलो। 1500 बैड डेट्स है, ये प्रोविजन है 2000, एंट्री हाँ बोलो। ओके, बैड डेट्स अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविजन भाई, ठीक है, बैड डेट्स अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविजन, और उससे पहले भी क्या हुई होगी, बैड डेट्स अकाउंट डेबिटेड, अब गलत मैंने बोला, बैड डेट्स अकाउंट डेबिटेड टू डेटर्स, पहले ये हुई होगी, फिर बैड डेट्स को ट्रांसफर करना है, बैड डेट्स अकाउंट क्रेडिट होंगे और प्रोविजन डेबिट हो, और ऑलरेडी मेरे पास प्रोविजन 2000 का चल रहा है, लेकिन मेरे को कितने की जरूरत है, सिर्फ 1500 की, 500 प्रोविजन पड़ा रहेगा भाई, 500 पुराना प्रोविजन। अब उसने हम लोगों से क्या पूछा, 5% प्रोविजन क्रिएट करो, कैसे क्रिएट करेंगे, 18,000 में से 1500 माइनस किया बैड डेट, बाकी वैल्यू कितनी बची, 16,500, 16,500 का 5% कैलकुलेट करो, व्हाट अमाउंट ऑफ डेटर्स विल बी शोन इन द न्यू बैलेंस शीट, पहले इसका 5% कैलकुलेट तो करो, 5 2 कैरी हुआ, ठीक है 80, 825, माइनस करना जरा, आप ध्यान से सुनो, 500 ऑलरेडी प्रोविजन है मेरे पास, 825 की मेरे को ये पड़ा हुआ है, बचा हुआ, यही ट्रिक का, यहाँ पे 825 मेरे को नया बनाना है, 500 ऑलरेडी मेरे पास पड़ा है, मैं कितना और बनाऊंगी, 325 और बनाऊंगी, ठीक है, एंट्री क्या आएगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 325, 325 माइनस करके आंसर देखो आता है, 5,7,16,175 कोई है, इसने कौन सा आंसर निकाला, विच बी ऑप्शन, हाँ तो उसी का बनाते हैं, पहले बैड डेट माइनस करके, बैड डेट माइनस ही करने, बैड डेट 1500 ही है, 16,500 ही बचना है, अच्छा अच्छा अपने फॉर्मूले थोड़ा चेंज करने हैं, पहले बैड डेट माइनस होते हैं, जो नेट अमाउंट आती है उसके ऊपर ही प्रोविजन होता है, विल बी क्रेडिट फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, बैड डेट के ऊपर बनाते हैं कभी प्रोविजन, नेट पे बनाते हैं, मैंने 1500 माइनस करके ठीक लिखा है, अगर 825 माइनस करते हैं तो कितना आता है, 5, 7, 14, ठीक तो है, फिर आप कह रहे हो नहीं आ रहा, ठीक तो है, एंट्री में 325 नया प्रोविजन बनाएंगे, माइनस तो 825 ही करेंगे, ठीक तो था, बी ऑप्शन डन है, 15,675। With practice you are learning the concept, see you are going to appear for the exam and still the things are not prepared. Seventh, देखो पढ़ो theory का है, आपने बतानी option.
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग, पहले इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की नेचर बताओ मेरे को, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की नेचर बताओ, इट इज इनकम फ्रॉम फर्म्स पॉइंट ऑफ व्यू, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एंट्री बोलो, हाँ ठीक बोल रहे, ठीक बोल रहे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट डेबिटेड टू टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और उसके बाद अच्छा गलत पहली एंट्री गलत बोली सर जी, पहली एंट्री यानी ड्रॉइंग्स, क्योंकि इनकम ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, अगली एंट्री यानी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग टू पी एंड एल, अगर एंट्री नहीं आएगी जज कैसे करोगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग टू पी एंड एल अप्रोप्रिएशन, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन की कौन सी साइड पे आती है ये, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पी एंड एल अप्रोप्रिएशन की कौन सी साइड पे लिखते हो, तो फिर एंट्री यही बननी है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग डेबिट होगा तभी क्रेडिट होगा पी एंड एल अप्रोप्रिएशन, पहली एंट्री ड्रॉइंग्स को क्या कर दो बढ़ा दो, ड्रॉइंग्स नहीं डेबिट करना कैपिटल डेबिट कर दो, एक ही बात है, कैपिटल अकाउंट की कौन सी साइड पे आएगी ये एंट्री, डेबिट साइड पे, बिकॉज वी हैव टू टेक इट फ्रॉम कैपिटल, पार्टनर्स की कैपिटल में से लेना, देखो एंट्री है ओके, व्हेन द फर्म्स मेंटेन्स फ्लक्चुएटिंग, फ्लक्चुएटिंग है तो करंट अकाउंट तो मैंने लेना ही नहीं, मैंने कौन सी एंट्री लेनी है, कौन सी ऑप्शन है, बी बी, हाँ ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल डेबिट बाद में लिख दिया ना, देखो फिर से कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन बनाई, डेबिट पहले लिखता ठीक है, तो मैंने बता ही दिया आपको कैपिटल अकाउंट डेबिटेड मतलब ये, उसने बताया कौन सी एंट्री बोली, ज्वाइंट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कट, पहली एंट्री में क्या हुआ क्रेडिट, दूसरी एंट्री में क्या हुआ डेबिट, अल्टीमेटली कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू पी एंड एल अप्रोप्रिएशन, कैन यू टेल मी द एंट्री, इफ द कैपिटल्स आर फिक्स्ड सैलरी पेड टू अ पार्टनर, इफ द कैपिटल्स आर फिक्स्ड सैलरी पेड टू अ पार्टनर, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल सिंगल वाली, ठीक है, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल, यहां पे आएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू पी एंड एल अप्रोप्रिएशन, इट मींस कि आपको दोनों एंट्रीज आनी चाहिए बेटा जी, मतलब एक ज्वाइंट एंट्री भी आनी चाहिए और दो सेपरेट एंट्रीज का भी पता होना चाहिए, राइट चलो आगे चलो, ये तो सैंपल पेपर का ही डाल दिया, एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ फर्म अ पार्टनर, ओके अ पार्टनर इज रेडी टू मीट एन अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, पार्टनर कहता है मैं एक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी पे कर दूंगा, एंट्री क्या होगी, पहले एंट्री बताओ, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी पार्टनर पे करेगा, रिवैल्यूएशन टू पार्टनर्स कैपिटल, हाँ वही पे करेगा, वो हमारी लायबिलिटी बन गई, अगर हम खुद पे करते तो एंट्री क्या होती, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, ठीक है अब पार्टनर पे कर रहा है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल, लॉस है मेरे हिसाब से, रिवैल्यूएशन लॉस है, देखो जरा हाँ, तो दिस इज बी ऑप्शन, लॉस है ना, क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड पे आ रही है ना एंट्री, नो गेन नो लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, ओके चलो फिर लॉजिक बनाते हैं, एंट्री क्या बोली मैंने, नहीं अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी भी तो है, लाइबिलिटी जा रही है अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री है, अब बोलो रिवैल्यूएशन में जा रहा कहीं पे, लाइबिलिटी खत्म हुई मतलब डेबिट करी, लाइबिलिटी कौन लेके जा रहा है, पार्टनर लेके जा रहा है, पार्टनर हमारी क्या बन गया, लाइबिलिटी बन गया, रिवैल्यूएशन में नहीं आएगा, सो नो गेन और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, सारे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन डाले, ये एंट्री अब मेरे को लगता नहीं है कि आपकी बुक में है, व्हेन अनरिकॉर्डेड एसेट इज बीइंग टेकन ओवर बाय एनी पार्टनर, व्हेन अनरिकॉर्डेड एसेट इज बीइंग टेकन ओवर बाय एनी पार्टनर, तो उलट होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू एसेट लाइक इन्वेस्टमेंट ही इज टेकिंग ओवर, ठीक है चलो आगे देखो, कम टू नेक्स्ट, अगला पढ़ो नाइन्थ, देखो हमारे चैप्टर जो कर चुके हैं उसमें से है, सी नाइन्थ क्वेश्चन, हाँ श्योर ही पहले परसेंटेज में है तो कोई बात नहीं, फोर इज टू थ्री इज टू वन लिख, वन थ्री इज टू वन इज टू टू, ठीक है उसने लिखा 40% 30% 10% एंड 20, हाँ तो मैंने वन पहले ही लिखा, डन, एज पर द न्यू एग्रीमेंट गारंटी का आ गया भाई, दिस इज माई पार्टनर्स आर ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी, सी को गारंटी मिली,
कि तेरा प्रॉफिट या तो ज्यादा होगा या बराबर होगा 57,500 के. दैट इज गारंटेड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट वी आर गिविंग टू सी. जो अगर कोई डेफिशिएंसी होगी ए और बी, बी कुछ भी डेफिशिएंसी को मीट नहीं करेगा, ए और बी दे विल बी मीटिंग द डेफिशिएंसी इन विच रेशियो 3:2. फर्म का प्रॉफिट आया सिर्फ और लॉस आया भाई. और देख लो अब, अच्छा बी का सिर्फ पूछे, पहले लॉस को डिवाइड करो और सी का शेयर ही निकालो बस. दिस इज 7, 9, 10, 2500. हमने बोला था तेरे को प्रॉफिट होगा, आप तो उसे 2500 लॉस दे रहे हो. एक ये 2500 लॉस और एक जो प्रॉफिट की गारंटी दी है 57,500. जब लॉस होता है तो बीच में ऐड होता है, ठीक है. इट मींस कि हमने 60,000 उसको कंपनसेशन देनी है. एम आई राइट? दिस 60,000 इज द डेफिशिएंसी. यू आर गेटिंग मी? दिस इज अ लॉस. ये भी तो कंपनसेट करेंगे. 57,500 हमने पहले से गारंटी दिया, दोनों को ऐड करा तो 60,000 इज द डेफिशिएंसी. हु आर गोइंग टू बेयर? कहता बी कितना बेयर करेगा? 2/5 कितना बनेगा? 24,000. देखो 24,000 ऑप्शन है. ये सी ऑप्शन इज करेक्ट. आसान था ये, ठीक है. लेकिन लॉस का मैक्सिमम डेफिशिएंसी में लॉस का ही कॉम्प्लिकेटेड केस है और उसने वही डाला. सो वी आर नॉट गोइंग टू गिव द कंपनसेशन दिस टाइम, ओनली 57,500. बेटर टू एड दैट लॉस आल्सो बिकॉज़ लॉस ने उसकी पोजीशन को और डिटीरियोरेट कर दिया. नाउ कम टू 10th क्वेश्चन. 10th इज अगेन ऑफ पार्टनरशिप. पढ़िए 10th क्वेश्चन. अच्छे क्वेश्चंस बनाए एंड यू शुड ट्राई इट. आपको लग रहा है एमसीक्यू ही है, हमने टाइम पास करने जाना है. इट्स नॉट गोइंग टू बी सेम लाइक द वे यू आर थिंकिंग अबाउट इट. वी हैव 3 पार्टनर्स. एक्स इज टू, वाई इज टू, जेड. देयर शेयरिंग इज 3:2:1. वी इज बीइंग एडमिटेड. जैसे वी की एडमिशन हुई तो बैलेंस शीट में एसेट्स में डेटर्स हैं और बी आर. ओके, यू नो डेटर्स आर 66,000. पहले इसका हिसाब किताब देखते हैं. अ डेटर हुज ड्यू of rupees 10,000 were written off last year as bad. जो debtor है जिससे मैंने पिछले साल 10,000 रुपया लेना था और सारा ही मैंने bad debt लिख दिया था, ठीक है, उसका मेरे को 25% मिल गया. Bad debts recovered है, entry क्या बनेगी? Cash account debited to bad debts recovered, then bad debts recovered account debited to revaluation. इसका 25% मिला, मैं इस 2500 मिल गया. चलो ये recovery देखते हैं हमसे पूछता क्या है. BR of 15,000 discounted with bank was dishonored, which is to be recorded in the books of accounts. Okay. Debtors to be shown in the new balance sheet. New balance sheet mein debtors kitne ke show karenge? New, mere ko nahi lagta balance sheet mein debtors ki amount pe kuch farak padna. Nahi, farak padna. Ab mere ko batana, jo discounted bill dishonor hota hai, uski entry kya hoti hai? डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर. बैंक से डिस्काउंट करवाया हुआ है, एंट्री बनती है डेटर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, ठीक है. मैं एंट्री को थोड़ा सा रिवाइज करवाती हूँ. मैं डेटर की जगह प्लस वन क्लास में ड्रॉई टू बैंक लिखा करती थी. ड्रॉई इज माई डेटर ना. डेटर हैज बीन इंक्रीज्ड. एंट्री का इफेक्ट देखो, बी आर डिसऑनर हुआ है और बी आर डिसऑनर होने से हमारे डेटर्स बढ़ गए और बैंक की तरफ हमारी लाइबिलिटी है क्योंकि बैंक का पैसा मेरे को वापस करना है. एम राइट? सो दिस 15,000 से मेरे डेटर्स कितना आंसर है समय? 81. पहले तो 15,000 ये ऐड होगा. हाँ ठीक है, 66 में 15 ऐड करके 81 ही आना. ठीक तो डन. बैड डेट्स रिकवर्ड की एंट्री ने डेटर्स को थोड़ा ना कोई फर्क डाला. ये तो पिछले साल के बैड डेट्स से अब मिल गए. ये तो आपको कंफ्यूज करने के लिए लिखा. एंट्री बोलो. एंट्री पता होनी चाहिए. कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैड डेट्स रिकवर्ड. डन. अगली एंट्री क्या होगी? रिवैल्यूएशन में डालेंगे बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन. डेटर्स पे थोड़ा इसने फर्क डाला और ये वैसे भी पिछले साल का रिकॉर्ड है. दिस इज नॉट गोइंग टू इफेक्ट माय प्रेजेंट डेटर. माय प्रेजेंट डेटर्स आर 66 और ये एंट्री है हमारे बुक में. जब आप लेंथी क्वेश्चन एडमिशन के करते हो तो आपके पास है ये एंट्री, डेटर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक. राइट? मान लो इस क्वेश्चन में वो बैंक का बैलेंस पूछ लेता है तो बैंक का बैलेंस रिड्यूस हो जाना 15 से. डेटर का बैलेंस 15 से बढ़ना है. 66 प्लस 15 81,000. हाँ, पहली लाइन मेरे को पढ़ के बताओ क्लोजिंग कैपिटल का मतलब क्या है. 11th क्वेश्चन में मैंने करवाया हुआ फंडामेंटल्स के चैप्टर में. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लोजिंग कैपिटल?
मान लो क्वेश्चन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का हो, तो विल यू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑन दिस? नो, वी विल कैलकुलेट. ओके, पर यहां पे कैपिटल फिक्स है तो मैं ओपनिंग भी नहीं निकालूंगी, क्योंकि जो ओपनिंग है वही क्लोजिंग होगी. अब फिक्स वर्ड भी है. मान लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्वेश्चन होता तो ठीक है, तो आप ओपनिंग नहीं निकालते बिकॉज इट इज फिक्स ना. फिक्स का मतलब क्या होता है? व्हाट एवर इट वॉज ओपनिंग, दैट इज सेम गोइंग टू बी सेम इन द क्लोजिंग. मैंने अभी क्वेश्चन नहीं पढ़ा, आई एम जस्ट गिविंग यू अ हिंट. यहाँ पे क्वेश्चन की वर्डिंग वो चेंज कर सकता है, ही कैन मेक इट एज इक्वेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. चलिए पढ़ते हैं. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही है, यस, उसने भी कुछ ऐसा ही बनाया. आई एम ऑल्सो रीडिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम इन द क्लास, दिस सिंपल पेपर. दिस इज 11th क्वेश्चन आई एम डूइंग. वी हैव विनोद, नरेश एंड गौरव. विनोद, नरेश एंड गौरव आर थ्री पार्टनर्स. देयर फिक्स्ड कैपिटल्स वर, अच्छा, हर एक की 2-2 लाख है, कोई बात नहीं. एडिशनल कैपिटल दोनों ने नहीं, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय विनोद. चलो बनाते हैं. पहले विनोद का 2 लाख कैपिटल कब है भाई? उलट चलना पड़ेगा. 31 मार्च 2021 को ये कैपिटल है, इसने इंट्रोड्यूस करी. अगर क्लोजिंग इतनी है, अच्छा कैपिटल से तो फर्क पड़ना है ना. इसने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करी थी कब? 1st October 2020 को. 50,000 टाइम वाइज इंटरेस्ट निकालेंगे. एज पर द पार्टनरशिप डीड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% है. यस, प्रॉफिट मेड बाय द फर्म. प्रॉफिट का तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि कैपिटल फिक्स है और प्रॉफिट करंट अकाउंट में गया होगा. एम आई राइट? ठीक है, आपको पता है अगर कैपिटल फिक्स हो, इवन देन इट गेट्स चेंज्ड ड्यू टू 2 circumstances. वन इज विथड्रॉल ऑफ कैपिटल, अनदर इज एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड. ठीक, अब मेरे को आप बताओ, बिगिनिंग में कैपिटल 1.5 लाख नहीं रही होगी? 50 इंट्रोड्यूस करी तभी एंड में 2 लाख हुई ना, इतना तो कर ही सकते हम लोग कैलकुलेशन. इट मींस कि दिस कैपिटल विल बी ऑन April 2020. मैंने टाइम वाइज लगाना क्योंकि उसके बाद कैपिटल हो गई आपकी 1st October 2020 को 2 लाख. टाइम वाइज लगाना आता है आपको. 6 महीने के ऊपर 1.5 लाख का लगाएंगे, 1.5 लाख के ऊपर 6 महीने का लगाएंगे और अगले 6 महीने 2 लाख पे लगाएंगे. ठीक है, लगाओ जी. 6% लगाया 9,000 बना, हाफ कर दीजिए 4,500. 6% लगाया 12,000 बना, हाफ कर दीजिए 6, देखो 10,500 ऑप्शन है. फिर क्या है डिफरेंस? प्रॉफिट तो आना ही नहीं. पार्टनरशिप डीड वॉज साइलेंट ऑन शेयरिंग प्रॉफिट. प्रॉफिट तो हमने करना ही नहीं डिस्ट्रीब्यूट. इसने प्रॉफिट का तो नहीं कोई पंगा डाला? प्रॉफिट तो नहीं. हाँ क्या? अच्छा, प्रॉफिट ऑफ विनोद पूछ रहे हैं. मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाले जा रही हूं. नेट प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना. नेट प्रॉफिट कितना है? 60,000. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करूं विनोद का 10,500. इन दोनों का भी तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करना पड़ेगा. प्रॉफिट तो तब आएगा ना. नरेश का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2 लाख पे, जो बिगिनिंग है वही एंड वाली होगी. 2 लाख का 6% 12. गौरव का भी तो 2 लाख ही है कैपिटल, 6% 12 माइनस करो 34,500. 60,000 में से 34,500 माइनस किया, 26,500 के 25,500. चेक कर लो टोटल 25,500. विनोद का शेयर निकालो, इक्वल है 1/3, देखो कैंसिल होता है 1/3. 25,000 नहीं, क्यों नहीं होगा? होगा. अच्छा आंसर नहीं आएगा. आंसर क्या है इसका चेक करो, 8,500. फिर प्लस माइनस कुछ गलत किया है? हाँ दोबारा बोलो. 8,500 ये कहता कैंसिल नहीं होगा. आपने अभी आपने कहा तो है अभी कि कैंसिल नहीं होगा, आंसर नहीं आएगा. आपने बोला तो है 8,500 का 3 करो, 0,0,15,8. ठीक तो है 8,500 ये करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन देखो कैसा बनाया. मैं सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे ही रुक गई और इसके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में कॉम्प्लिकेशन भी डाली, बाकियों का हमारे कन्वीनियंस के लिए सिंपल रख दिया. ठीक है, दो द क्लोजिंग कैपिटल इज गिवन, लेकिन क्लोजिंग कैपिटल आई एम टेकिंग एज अ बेस फॉर द इंटरेस्ट कैलकुलेशन. व्हाई? बिकॉज कैपिटल्स वंस दे आर फिक्स्ड, जितनी ओपनिंग रहती है उतनी ही क्लोजिंग रहती है, बट एडिशनल कैपिटल के कारण कैपिटल चेंज हो जाती है. राइट? दोबारा करके देखना जितने क्वेश्चन क्लास में डिस्कस हो जाते हैं.
चलो अगला, दिस इज ट्वेल्थ, पढ़ो ट्वेल्थ। हाँ दिस इज विनोद दिविच, एंड कनव, दीज आर द थ्री पार्टनर्स राइट। देयर प्रॉफिट शेयरिंग, अच्छा कुछ पहले इनकी थी 3:2:1, देन दे डिसाइडेड टू चेंज इट टू 5:3:2 राइट। ऑन दैट डेट दे हैव, ओके आसान है फिर से, WCR दे रखा है 60,000, जनरल रिजर्व दे रखा है 45,000, और उन्होंने बोला जनरल रिजर्व दे हैव डिसाइडेड नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट। जब नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट है तो गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो से एंट्री करनी होती है, ठीक है। क्या होता है, गेनिंग पार्टनर्स डेबिट होते हैं और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स क्रेडिट होते हैं। देखो कुछ ऐसा ही पूछा, ओके हमसे पूछी है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, पर मेरे को देखना पड़ेगा पहले। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का कोई क्लेम भी नहीं है तो आई हैव टू सी, पहले निकालो सैक्रिफाइसिंग और गेन। सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला लगाओ, 3/6 - 5/10, 2/6 - 3/10, 1/6 - 2/10। चलो जी 60 एलसीएम ले लेते हैं, 10/30 माइनस, ये भी सेम ही रहा, 60 हुआ 30 बना, अब 1/2 1/2, ये तो न्यूट्रल रहा, ठीक है चलो इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। आगे चलते हैं 60 20 - 18, ये अगर सैक्रिफाइस है तो उसको गेन होना बनता है, दिस इज 1/30, ठीक है। मतलब 45,000 का 1/30, देखते हैं क्या करता है, इसने कौन सी स्टेटमेंट अप्लाई करी है। 60 इधर कितना बना, 10 - 12 ना, ठीक है। इतना तो हमें पता चल गया कि एंट्री में कनव डेबिट होगा बिकॉज कनव इज गेनिंग, एम आई राइट। और कनव कितने से डेबिट होगा, 1/30 अगर मैं इसका करूं तो 1500 वाला कोई ऑप्शन है, हाँ तो कनव इज गोइंग टू बी डेबिटेड विच ऑप्शन, दिविच अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड विद 20, नहीं फिर हमें बनानी पड़ेगी ऑप्शन ना। कंपनसेशन का भी देख लो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व सब में ओल्ड रेशो में डिवाइड होगा, ठीक है वो भी करके देखो, फिर ऑप्शन देखनी पड़ेगी, एंड दैट इज 60,000। चलो देखते हैं 60,000, पहले को मिलेगा इसका हाफ 30, दूसरे को मिलेगा 1/3 हो गया 20, और तीसरे को मिलेगा 1/6 10, है ना। ये क्रेडिट है तीनों में, ये तीनों में क्रेडिट है 30, 20 and 10, और उसके बाद जो हमारा कनव है वो 1500 से डेबिट है और जो दिविच है वो 1500 से क्रेडिट है ना। देखो क्या बनता, नहीं उसने उसने कौन सा बताया, दिविच इज टू बी क्रेडिटेड, यस बिल्कुल ठीक, दिविच इज टू बी क्रेडिटेड विथ 20,000 and is also to be credited with 1500. It means कि आपको workmen compensation reserve की भी treatment पता होनी चाहिए, and when they decide not to distribute general reserve आपको उसकी entry भी पता होनी चाहिए, और वो घुमा फिरा के कुछ भी कहीं से पूछ लेता है, ठीक है। So Divijay is going to be credited with double amount. One is for WCR, another is for GR, that is general reserve. ठीक है, so that is enough for today. बाकी कल continue करेंगे। अगला आप खुद करना है, करवाया हुआ आपको गुडविल का, 13th यू कैन ट्राई, 14th 15th नहीं होगा क्योंकि शेयर कैपिटल का है, 16th भी शेयर कैपिटल का है, और उसके बाद 17th वी विल पिक, 17th एंड 18th वी विल सी। रसिका, इट वाज नॉट रिवैल्यूएशन लॉस, है ना, वी हैव डिस्कस नीदर गेन नॉर लॉस व्हेन द लायबिलिटी इज बीइंग टेकन ओवर बाय एनी ऑफ द पार्टनर।